डी स्टूडेंट्स द टॉपिक विच वी आर डिस्कसिंग नाउ इज इंडस्ट्रियल हाइजीन एंड कन्फाइंड स्पेसिस विद रेलवेंट टू जनरल सेफ्टी प्रिकॉशंस जनरल सेफ्टी प्रिकॉशंस अगर वर्ड पर गौर किया जाए आपको आइडिया हो जाएगा कि ये वो बेसिकली प्रिकॉशंस हैं जो आर्गेनाइजेशन के अंदर लेनी लेनी चाहिए ताकि आर्गनाइजेशन के अंदर किसी किस्म के इंसिडेंट से बचा जा सके फॉलोइंग नंबर ऑफ जनरल सेफ्टी प्रकॉशंस डेट अप्लाई इन आर सेटिंग वेर एक्सप्लूसिड कम्ब्यूस्टिबल मटीरियल प्रजेंट इसका यह मतलब है कि वो मटीरियल जो आसानी से आग पकड़ सकता है वहां पर खास तौर पर इस किस्म की प्रिकॉशंस का लेना लाजम है वो कौन सी प्रिकॉशंस हैं नंबर वन प्रोहेबिट स्मोकिंग प्रोहेबिट स्मोकिंग का ये मतलब है कि इफ इस देश हम एम्प्लाई हुआ स्मोकर परमानेंट चेन स्मोकर उनको बताया जाए कि जिस जगह पे वो स्मोकिंग कर रहे हैं वो ऑर्गेनाइजेशन की फेवर में नहीं है उनके लिए बाकायदा एक सेपरेट स्पेस हो वहाँ पे वो जाके स्मोकिंग करें फिर वो आके अपनी ड्यूटी परफॉर्म करें या उनको बता दिया जाए कि इस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर स्मोकिंग वैसे ही प्रोहिबिटेड है जैसा कि यूरोप के अंदर आप किसी भी छत के नीचे स्मोकिंग नहीं कर सकते इफ यू वॉन्ट टू डू स्मोकिंग यू हैव टू गो आउटसाइड एन ओपन एयर देन यू हैव टू कम बैक और वहाँ पर भी पब्लिक प्लेज में स्मोकिंग अलाउ नहीं है एटीन ईयर से बिलो स्म की सेलिंग सिगरेट की सेलिंग नहीं है सेकेंड एलिमिनेट स्टेटिकलेक्ट्रिसिटी थर्ड यू स्पार्क रेजिस्टेंस टूल ऐसे टूल यूज ना करें जिनकी स्पार्क निकलती हो अलेक्ट्रिसिटी को जलाने का बायस बन सकते हो या वहाँ पे शार्ट सर्कट उसकी वजह से हो सकती हो तो ये चीज़ें क्या हैं बेसिकली डी स्टूडेंट्स जनरल सेफ्टी प्रिकॉशनस हैं उन ऑर्गेनाइजेशन के लिए जहाँ पे ख़ास तौर पे एक्सक्लूसिव मटेरियल का काम होता है नैनो स्केल मटेरियल एंड इंडस्ट्रियल हाइजीन नैनो स्केल नाम से ज़ाहिर है कि वो चीज़ जो बहुत छोटी मकदार में होगी वो नैनो में आएगी इट इज़ नेसेसरी टू अंडरस्टैंड लैंग्वेज ऑफ नैनो स्केल मटीरियल द फॉलोइंग डेफिनेशन आर बेस्ड ऑन अमेरिकन सोसाइटी फॉर टेस्टिंग मटीरियल इसको हम बोलते हैं ए एस टी एम अमेरिकन सोसाइटी फॉर टेस्टिंग मटीरियल टर्मिनोलॉजी फॉर नैनो टेक्नोलॉजी को हम बोलते हैं फॉर एग्जाम्पल फाइन पार्टिकल अ पार्टिकल स्माल अबाउट टू पॉइंट फाइव माइक्रो मीटर एंड लार्ज दैन अबाउट जीरो पॉइंट वन माइक्रो मीटर अगर कोई पार्टिकल जीरो पॉइंट वन माइक्रो मीटर से ज़्यादा है और जीरो पॉइंट और 2.5 माइक्रोमीटर से कम है तो उसको हम कहेंगे फाइन पार्टिकल अब यहाँ पे ये टेक्नोलॉजी के अंदर जो टर्म यूज ये स्टूडेंट्स हुई है ये आपके लिए जानना इसलिए लाजम है कि बाज़ात ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इस किस्म के नैनो नैनो स्केल मटेरियल यूज होते हैं तो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में अगर आपकी ड्यूटी है तो आपको इन चीज़ों के मतलब मालूम होनी चाहिए नैनो पार्टिकल क्या है इट इज़ फर्दर अ सब क्लासिफिकेशन ऑफ फाइन पार्टिकल ये किसी भी पार्टिकल की अल्ट्रा फाइन फॉर्म की फर्दर सब क्लासिफिकेशन है जिसमें विद द लेंथ इन टू डायमेंशन ग्रेटर दैन जीरो पॉइंट जीरो जीरो वन ये उससे भी ज़्यादा मान्यूटली नीचे लेवल पे इसकी लेंथ होगी माइक्रोमीटर हंड्रेड नैनोमीटर अब ये बेसिकली नैनो स्केल मटीरियल को जानने के मतलब आपको मालूम दी गई है बहुत ज़्यादा डिटेल इसमें हम डिस्कस नहीं करेंगे सिर्फ ये बताना लाजम है कि ये नैनो पार्टिकल है क्या ये बेसिकली सब क्लासिफिकेशन है अल्ट्रा फाइन पार्टिकल की और जिसकी जो लेंथ है वो हंड्रेड नैनोमीटर के हवाले से अगर देखी जाए तो होगी और ये बेसिकली ग्रेटर दैन होगी जीरो पॉइंट जीरो जीरो वन से अब इसकी टू डायमेंशनज होंगी जिसके हवाले से इसको जानना बहुत इंपॉर्टेंट था नैनो स्केल मटीरियल एंड इंडस्ट्रियल हाइजीन को फर्दर डिस्कस किया जाए तो इसमें नैनो स्ट्रक्चर्ड भी आता है नैनो स्ट्रक्चर क्या है इट कंटेनिंग फिजिकली और केमिकली कंपोनेंट्स एट लीस्ट वन ऑफ विच इज स्केल इन वन और मोर डायमेंशनस नैनो स्केल होगा एक या एक से ज्यादा डायमेंशनस होंगी और इसके कंपोनेंट्स होंगे जिनको डिस्टिंग्विश किया जा सकता है केमिकल को और फिजिकल फॉर्म में इन चीज़ों को इसको हम नैनो स्ट्रक्चर बोलते हैं नैनो टेक्नोलॉजी नैनो टेक्नोलॉजीज दैट मे मैनुपलेट आर इन कारपोरेट मेटीरियल आर फीचर विद द लीस्ट वन डायमेंशन बिटवीन अप्रॉक्सीमेटली वन एंड वन हंड्रेड नैनोमीटर्स अगर कोई चीज़ इन दो कंपोनेंट्स के बीच में है वन या वन हंड्रेड नैनोमीटर्स में तो वो किसकी मदद से देखी जा सकती है किसकी मदद से ऑपरेट हो सकती है वो नैनो टेक्नोलॉजी की मदद से ऑपरेट हो सकती है नैनो स्केल मटीरियल एंड इंडस्ट्रियल हाइजीन को फर्दर देखा जाए तो अल्ट्राफाइन पार्टिकल्स भी मौजूद होते हैं अ पार्टिकल रेंजिंग इन साइज फ्रॉम अप्रोक्सिमेटली जीरो माइक्रोमीटर ये टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स माइक्रोमीटर हंड्रेड नैनोमीटर टू जीरो पॉइंट जीरो जीरो वन नैनोमीटर अगर कोई पार्टिकल इन दो रेंज के बीच में एग्जिस्ट कर रहा है तो उसको हम लोग अल्ट्राफाइन पार्टिकल बोलते हैं कन्फाइंड स्पेसिस बेसिकली है क्या कन्फाइंड स्पेस की ये डेफिनेशन रही स्टूडेंट मैं आपको बताने लगा हूं इज एनी एरिया विद लिमिटेड मीन्स ऑफ एंट्री एंड एग्जिट दैट इज लार्ज अनाव फॉर अ पर्सन टू फिट इन टू बट इज नॉट डिजाइन फॉर आकोपेंसी इसको हम लोग बोलते हैं कन्फाइंड स्पेस है रहा हूँ कि इसमें एक कन्फाइंड स्पेस होती है एनी एरिया के हवाले से जिसमें हम लिमिटेड मीन ऑफ एंट्री रखते हैं एंड एग्जिट दैट इज लार्ज अनफ फॉर अ पर्सन टू फिट इन टू बट इट इज नॉट डिजाइन फॉर आक्योपेंसी इसको हम लोग कन्फाइंड स्पेस बोलते हैं फॉर एग्जाम्पल एग्जाम्पल्स ऑफ कन्फाइंड स्पेस इनक्लूड वॉल्टिलोज शिप कम्पार्टमेंट्स पर्टिकुलर शिप कम्पार्टमेंट्स शिप के अंदर जो कंपार्टमेंट्स हैं उसकी हम बात कर रहे हैं ट्रेन कंपार्टमेंट्स ट्रेन के अंदर जो कंपार्टमेंट्स हैं या सीवियर एंड टनल ये जितने भी वर्ड्स मैंने बोले थी स्टूडेंट्स ये सब के सब कन्फाइंड स्पेस हैजर्ड्स में आते हैं अभी मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में इसका पिक्टोरियल इफेक्ट भी दिखाऊंगा वट मेक्स कन्फाइंड स्पेसिस बिन्ड दो एंड एक्सप्लोसिव वेपोज एंड गैसेज ताकि वहाँ पे गैसेस को कंट्रोल किया जा सके गैसेस को डिस्चार्ज किया जा सके एग्जॉस्ट फैन के जरिए काफ़ी हद तक उनके इफेक्ट को कंट्रोल किया जा सके कन्फाइंड स्पेस में फर्दर हम देखते क्या हैं टू एंश्योर दैट अ कन्फाइंड स्पेस इज सेफ द फॉलोइंग क्वेश्चन शुड बी आस्क एंड आंसर इन एन अफर्मेटिव बिफोर अलाउंग एंट्री अ नेगेटिव रिस्पॉन्स टू इवन वन ऑफ दिज क्वेश्चन मीन्स टू एंट्री इन टू द कन्फाइंड स्पेस इन क्वेश्चन इज नॉट येट सेफ कन्फाइंड स्पेस के मुतल हम मुख्तफ क्वेश्चन पूछेंगे अगर उन क्वेश्चन के आंसर यस yes में हैं तो वह कन्फाइंड स्पेस ठीक है तो है लेकिन ठीक तो है, है. नुकसानदेह नहीं है अगर किसी भी क्वेश्चन का आंसर नो no में आता है तो वह हमारे लिए नुकसानदेह है नंबर वन क्वेश्चन आर एक्सेस एंड एग्जिट इक्विपमेंट सच एज लेडर एंड स्टेप्स इन गुड वर्किंग कंडीशन के जो भी स्टेप्स हैं या सीढ़ी हमने लगाई हुई है वो तमाम चीजें गुड वर्किंग कंडीशन में हैं ऐसा ना हो कोई एम्प्लाई उसको यूज करे इन केस ऑफ एनी एमरजेंसी वहाँ पे वो टूट जाए नुकसान का बास बन जाए हैज़ द कन्फाइंड स्पेस बिन प्रॉपरलीफ टॉक्सिकॉक्सिक्स आर नॉट यू हैव टू चेक इट कन्फाइंड स्पेस हेजट्स का ये पिक्टोरियल इफ़ेक्ट ये स्टूडेंट्स ये देखें ये लैडर है और ये कोई शख्स है जो इसको यूज़ कर रहा है अब ये गैसेस बाहर डिस्चार्ज हो रही हैं ये यहाँ पे इसके एग्ज़िट का पॉइंट है अगर ये एग्ज़िट पॉइंट ना हो स्पोल तो क्या कन्फाइंड स्पेस हेजेड की डेफिनेशन में ये आएगा नहीं आएगा कन्फाइंड स्पेस हेजट्स को हम यहाँ देखते हैं ट्रांसपोर्ट पोटेंशली कन्फाइंड स्पेस टर्न ऑफ एंड प्रॉपरली कैप्ड आर आल मूविंग पार्ट ऑफ इक्विपमेंट इन देश शट डाउन एंड लॉकडरली आर नॉट इस चीज को जानना बहुत इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पे ये तमाम जो इक्विपमेंट यहाँ यूज होने थे वो प्रॉपरली अवेलेबल हैं या अवेलेबल नहीं है हैज़ प्रॉपर वेंटिलेशन बिन प्रोवाइडोस्फियर इज प्रोवाइड हैव प्रोविज बिन मेड टू मोनिटर कंटिन्यू द एटमोसफियर डूरिंग वर्क आर नाट अगर ये तमाम चीज़ें अवेलेबल हैं तो डी ए स्टूडेंट इसका मतलब है कि इंडस्ट्रियल हाइजीन एंड कन्फाइंड स्पेसिस के कंसेप्ट को वो ऑर्गेनाइजेशन फॉलो कर रही है